ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रेरणा स्पर्शी कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है हवन। आइए सुनते हैं कहानी। पंडित जी की करवाई हुई पूजा में बैठ तो गए हैं, लेकिन सोच हमारी ही रहती है। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म ना हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि घी खत्म ना हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा सबको स्वाह होने के इंतजार में। कहानी यहीं रुक जाती है। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी या खत्म ना हो जाए। ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं, जो अंत में जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही है। उसे बचाकर क्या करना, बाद में तो वो सिर्फ धुआं ही होना है। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ना सामग्री खत्म हो ना बची रह जाए। यही है लाइफ का मैनेजमेंट करना। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छा नहीं है। आखिर में यह मायने नहीं रखता कि हमने जिंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने उन सांसों में कितनी जिंदगी जी। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। ओम शांति।